दोस्तों गोदी मीडिया के एंकर लगातार अपने चैनल पर बैठ के झूठ परोसने का काम करते रहते हैं। सुधीर चौधरी गए और उन्होंने अपना भार रोहित रंजन को दे दिया और रोहित रंजन ने सोचा था कि विपक्ष को बदनाम करके अपनी भक्ति साबित कर लेंगे, लेकिन इस मंसूबे में वो सफल नहीं हो पाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। बिना सच्चाई जाने उन्होंने अपने चैनल पर राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए झूठ परोसा था, जिसके वजह से उनको जेल हो गई और कई धाराएं लगाई गई हैं। आज देश का चौथा स्तंभ मीडिया जिस तरह से बिक रहा है, उसे देश के हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। और अगर कहा जाए कि आज देश की जो हालत है उसे बिगाड़ने में मीडिया पर सरकार का पूरा हाथ है, तो गलत नहीं होगा। आज मोदी मीडिया लगातार अपने चैनल पर झूठ परोसती है। जहां पूरा सच दिखाना चाहिए वहीं आधा सच दिखाया जाता है। गोदी मीडिया सोचती है कि कैसे भी करके हम मोदी भक्ति में आगे निकल जाएं और सभी बड़े बड़े एंकर अपने चैनल पर बैठ के यही करते हैं, जो आपने भी देखा है कि कैसे आज की मीडिया सरकार के हाथों बिकती जा रही है। मिलर टाइम्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी की फर्जी टीवी क्लिप चलाने को लेकर न्यूज एंकर को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। घर के बाहर दोनों राज्यों की पुलिस में बहस जारी, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जो बिके हुए पत्रकार नहीं है उनको जेल में डाला जा रहा है। आपको पता ही है कि अभी जुबैर को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है, उनके ऊपर नए नए धाराएं लगाई जा रही हैं या फिर कहा जाए तो उनको फंसाया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें, राहुल गांधी के फर्जी वीडियो को वायरल करने के आरोप में भाजपा सांसदों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया, भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सुब्रत पाठक व अन्य तीन के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। इन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नाडा को पत्र लिखा है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी व फर्जी खबरें प्रचारित करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों दरअसल ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने केरल में मीडिया से बात करते हुए उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हथियारों को बच्चा कहा। हालांकि ये वीडियो एडिट किया हुआ है, जिसकी सच्चाई जाने बिना एक टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने शो में राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया था। बीजेपी सरकार के कुछ नेताओं को तो मौका चाहिए, चाहे वो सच हो या फिर झूठ, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको बस मुस्लिम समुदाय के लोगों को और विपक्ष के लोगों को कैसे भी करके टारगेट करना है, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये आप ही जानते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।